सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक्निकल दिलसाज यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों मेरा नाम है दिलसाज और आप देख रहे हैं टेक्निकल दिलसाज यूट्यूब चैनल और आज इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल में साउंड सीडर एप्लीकेशन का यूज कैसे कर सकते हैं। बेसिकली दोस्तों साउंड सीडर एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके द्वारा आप अपने दो मोबाइल में एक ही गाना एक ही समय में एक साथ सुन सकते हैं आपस में वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद। इसी टॉपिक पे मैंने एक वीडियो और बनाया था और उस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि आप एम्पमी एप्लीकेशन को यूज कैसे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एम्पमी एप्लीकेशन के अंदर एक प्रॉब्लम थी कि आप एम्पमी एप्लीकेशन के द्वारा एक साथ मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट तो कर सकते थे लेकिन उसमें आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ती थी। लेकिन इस एप्लीकेशन में आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस एप्लीकेशन के द्वारा आप वाईफाई से ही अपने दो डिवाइस को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं और एक ही गाना दोनों मोबाइल में एक साथ सुन सकते हैं, जिससे आपके मोबाइल की वॉइस भी इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि आप जब आपके दो मोबाइल एक साथ चलेंगे तो दोनों मोबाइल की आवाज मिलाकर आपके एक ही गाने की सॉन्ग इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि काफी ज्यादा हो जाएगी। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को देखते रहिए एंड तक और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मैं जानता हूँ आपका समय कीमती है तो हम आपका ज्यादा समय ना लेते हुए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जो आपके दो मोबाइल में एक ही गाना एक समय में एक साथ चलाती है। तो जाहिर सी बात है इसके लिए आपको अपने एक नहीं दो मोबाइल चाहिए होंगे और दोनों मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना होगा साउंड सीडर। जैसे ही आप वहां पर साउंड सीडर ऐप सर्च करोगे तो आपके सामने यहां पर साउंड सीडर एप्लीकेशन आ जाएगी। आप यहां पर इस एप्लीकेशन को जल्दी से अपने फोन में इंस्टॉल कर लीजिए और जब आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लोगे तो आपको करना क्या है, सिंपल इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। अब मान लीजिए आपने अपने दोनों डिवाइस में साउंड सीडर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया है। अब आपको आपस में कनेक्ट करने के लिए करना क्या होगा, पहले आपको अपने मोबाइल का जो नॉर्मल हॉटस्पॉट होता है आपको वहां पर अपने नॉर्मल हॉटस्पॉट को ऑन कर देना है और आपको दूसरे मोबाइल के वाईफाई से इन्हें आपस में कनेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको अपने दोनों मोबाइल में साउंड सीडर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और आपको एक स्पीकर का आइकन दिखाई देगा। आपको दोनों मोबाइल में से किसी एक मोबाइल के स्पीकर के आइकन पर क्लिक कर दीजिए और आपको यहाँ पर कुछ एक्टिवेट का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है यहाँ पर एक्टिवेट ऑन होना चाहिए, अगर आपके पास यहाँ पर एक्टिवेट ऑन ना हुआ तो आप उसे ऑन कर दीजिए। उसके बाद आपको अपने दूसरे डिवाइस में जाकर वहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा साउंड सीडर प्लेयर, आपको वहाँ पर क्लिक करना है और आपको उसके नीचे कनेक्ट करने का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके दोनों मोबाइल आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। अब आप इस एप्लीकेशन के द्वारा जो भी MP3 गाना प्ले करोगे तो वो गाना दोनों मोबाइल में एक साथ चल जाएगा। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है आप अपने एक मोबाइल से दोनों मोबाइल की वॉइस भी कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि आप कम या ज्यादा एक ही मोबाइल से दोनों की वॉइस कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं दूसरे मोबाइल की बात करूँ तो दूसरे मोबाइल में आप केवल उसी मोबाइल की वॉइस को कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात एक और है कि आप इस एप्लीकेशन का अगर यूज करते हैं तो आपको इस एप्लीकेशन को केवल 15 मिनट ही यूज करने को दिया जाता है। लेकिन अगर आप सोच रहे होंगे अगर हमारी 15 मिनट खत्म हो जाएंगे तो हम इस एप्लीकेशन को कैसे यूज करेंगे और हम इस एप्लीकेशन में कैसे 15 मिनट से ज्यादा गाने सुन पाएंगे, तो इसके लिए सिंपल आपको यहाँ पर एक ऑप्शन और दिखाई देता है, वो यहाँ पर आपको दिखाई देता है अर्न रिवार्ड। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर इस एप्लीकेशन के अंदर एड शो होगा। सिंपल आपको वो एड देखना है तो आपको यहाँ पर एक एड देखने के 15 मिनट दी जाती है और जैसे ही आपकी 15 मिनट खत्म हो जाती है तो यहाँ पर अर्न रिवार्ड का ऑप्शन दोबारा आ जाता है, तो आप दोबारा एड देखकर यहाँ पर दोबारा 15 मिनट कमा सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से सही है। लेकिन इसका यहाँ पर एक पेड वर्जन भी है, यानी कि एक इसका प्रो वर्जन भी है, उसमें आपको कुछ पैसे देने होते हैं। लेकिन मैं आपसे रिकमेंड यही करूंगा कि अगर आप इस एप्लीकेशन का यूज करते हैं तो आप इसका फ्री वर्जन ही यूज करें। इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, आप वहां से भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर मेरे कुछ दोस्त मेरे चैनल पर नए आ गए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपने अभी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया है तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डिसलाइक करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ये जरूर बताना कि वीडियो के अंदर क्या कमी है, आपको वीडियो क्यों पसंद नहीं आया है, मैं अपनी तरफ से उस कमी को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हमारी ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।